हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर साइंस क्लास। आई एम योर टीचर सरोज वाला। नाउ वेलकम बैक योर साइंस क्लास। बेटे, आप लोगों ने जो सिलेबस जून तक कंप्लीट किया था, अब हम जुलाई का सिलेबस कर रहे हैं। यूनिट फाइव का फर्स्ट लेसन है हमारे पास। यूनिट फाइव का फर्स्ट लेसन क्या है? एयर एंड एटमोसफियर, जिसमें वायु और वायुमंडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन लेट्स लर्न अबाउट एयर एंड एटमॉस्फेयर। एयर में क्या आएगा बेटा इसके अंदर, कि वायु क्या होती है, वायुमंडल क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, ऊर्जा अंकल मिस्टर एम शंकर इज एन एस्ट्रोनॉट हु वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मार्स सैंड मिशन इंडिया 2014। यानी इसके बारे में क्या है, जो मिस्टर एम शंकर है वो एक एस्ट्रोनॉट है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री है, जो कि मार्स मिशन इंडिया 2014 के अंदर इन्वॉल्व हुआ था। और वो क्या, ऊर्जा का अंकल है। तो ऊर्जा वाज वंस लकीली टू बी एबल टू टॉक टू हिम वाइल ही वाज इन द स्पेस क्राफ्ट। यानी ऊर्जा क्या है, लकी है, लकी लड़की है, जिसको अंतरिक्ष यात्री के बारे में, अंतरिक्ष यान के बारे में जानने का मौका मिला है, उसके बारे में बात करने का उसको चांस मिला है। आगे क्या कह रहे हैं, ही शोड सम पिक्चर ऑफ अर्थ फ्रॉम हिज स्पेस स्टेशन। उसको वहाँ पर कुछ एक पिक्चर्स है जो पृथ्वी की देखने की, जो स्पेस अड्डा है, जो उनका स्पेस स्टेशन जिसको कहते हैं अंतरिक्ष अड्डा है, उसके बारे में जानने की। अर्थ लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर। अर्थ जो है, जो वहाँ की पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, वो वहाँ पर अलग तरह से दिखती है। ऊर्जा बिकेम करियस टू नो मोर अबाउट द एयर एंड एटमोसफियर दैट सराउंड अस। ऊर्जा क्या कर रही है, उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासु है, और उस हवा और उस वायुमंडल के बारे में जो कि हमारे चारों ओर बना हुआ है, उसके बारे में जानना चाहती है। ही हर अंकल आंसर्ड ऑल हर क्वेश्चन। उसके अंकल जो है उसकी हर एक बात के, हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हाँ जी, आगे क्या है, फर्स्ट पिक्चर के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, वी आई कैन सी ए थिन कवरिंग अराउंड द अर्थ। यानी कि वो कह रही है कि मैं देख सकती हूँ कि अर्थ के चारों ओर एक क्या कवर बनाया गया है, एक कवरिंग कवर बनाया गया है, कवरिंग किया गया है उसको। दैट कवरिंग इज ए थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफियर रैप्ड क्लोजली अराउंड द अर्थ। यानी जो उसका उसको किस तरह से कवर किया गया, एक पतले से कंबल से, हवा के एक पतले से कंबल से, जिसको बोलते हैं वायुमंडल, उसको लपेटा गया बिल्कुल नज़दीक से। जैसे कि सपोज करो ये अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर एक कैसे इस तरह से हवा का, वायु का एक लेयर बनाई गई है जो बिल्कुल पतली सी। अच्छा, एटमॉस्फेयर हैज़ नो आउटर बाउंड्री। एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है, उसके चारों ओर किसी तरह की कोई बाउंड्री नहीं है। जस्ट मर्ज इन टू द स्पेस, वह सिर्फ क्या है, जो अंतरिक्ष है उसके अंदर मिला हुआ है। इट इज़ ए वेरी थिन लेयर जस्ट लाइक ए पील ऑफ सम फ्रूट और वेजिटेबल। वो क्या है, सिर्फ एक पील यानी कि छाल है, जैसे किसी फ्रूट के ऊपर का छिलका होता ना, यही बात की फ्रूट या वेजिटेबल के ऊपर के जो छिलके होते हैं, बिल्कुल वैसी पतली सी लेयर है, वैसी बिल्कुल पतली सी लेयर है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एस्ट्रोनॉट क्या, एन एस्ट्रोनॉट इज ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ट्रेंड होता है किसके बारे में, ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट, जो अंतरिक्ष यान के बारे में पूरी तरह से ट्रेंड होता है, उसको सारी नॉलेज होती है, सारी जानकारियाँ होती है। हाँ जी, आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पे क्या है, कि एयर आई नो इज कंपोज्ड ऑफ गैस डस्ट स्मोक एंड जर्म्स। यानी वो क्या कह रही है, वायु जो है ना, मैं जानती हूँ कि गैस से, धूल मिट्टी से, धुएं से और जर्म से बनी हुई है। यस,
उसके अंकल कहते हैं यस बट द मेजर पार्ट ऑफ द एयर इज कंपोज ऑफ गैस। यस परंतु जो उसका मेजर पार्ट एक बहुत बड़ा भाग जो है वो गैस का किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सारा राइट डाउन किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, एरेगोन एंड मैनी अदर गैसेज, यानी उसके अंदर बहुत सी और भी गैसेज क्या है मिली हुई है, मिक्स की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पुट करती है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमोसफियर, एटमोसफियर की क्या ज़रूरत है। अंकल क्या कहते हैं द एटमोसफियर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट एंड द हार्मफुल रेज ऑफ द सन एंड मेक्स आवर लिविंग सेफ फॉर अर्थ। जो हमारा वातावरण है वो पूरी तरह से जो क्या है उससे प्रोटेक्ट करता है, कैसे, गर्मी से, जैसे कि सूर्य की किरणों की गर्मी से, हार्मफुल रेज, जो सूर्य की किरणों की जो हार्मफुल रेज निकलती है फॉर द सन, एंड मेक्स आवर लिविंग सेफ ऑन अर्थ, जिसकी वजह से जो पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है वो अच्छे से हो सकता है। इट आल्सो एक्ट्स एज ए रिजर्वायर फॉर वाटर, जो कि क्या है जलाशयों को मतलब अच्छे से रिजर्व करके रखता है। यू नो दैट देयर इज ए मोर फ्रेश वाटर इन द एटमोसफियर देन इन ऑल ओवर द रिवर्स ऑन द प्लैनेट कम्बाइंड। ये कह रहा है कि तुम जानती हो कि जो बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर है, जो मोर फ्रेश वाटर है वो इस वायुमंडल के अंदर और जो नदियों का पानी है ग्रहों के साथ क्या है कंबाइंड है ये सारी चीज़ें। इट आल्सो रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच कॉजिज डिफरेंट वेदर। ये कह रहा है इट ऑल्सो रेगुलेट, इसी तरह से कंटिन्यू जो यहाँ का तापमान है वो अर्थ को जो है बिल्कुल क्रस्ट किए हुए है, विच कॉजिज डिफरेंट वेदर, जिसके बहुत से अलग अलग मौसम के अलग अलग जो मौसम चेंज हो रहा है उसके अलग अलग कारण है। नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज पे क्या है, नोट नाउ नॉलेज ट्री। नॉलेज ट्री में क्या दिया गया है कि जो द मून हैज़ नो एटमोसफियर, कि चांद के ऊपर किसी तरह का कोई वातावरण नहीं है। इट इज इक्वेटर द सरफेस टेम्परेचर राइजेज टू 101 डिग्री सेल्सियस इन द डे, यानी कि वो दिन के अंदर भूमध्य रेखा के बीच में होने से क्या होता है उसका जो सतह है वो उसका तापमान, सतह का तापमान कहाँ तक पहुँच जाता है 101 डिग्री सेल्सियस तक, दिन के अंदर 101 डिग्री सेल्सियस तक। इन द नाइट इट ड्रॉप्स डाउन टू 180 डिग्री, रात के टाइम में 180 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। इसके बाद क्या, साइंस इज फन, फन साइंस इज फन वाला टॉपिक है। इसमें क्या दे रखा है बेटा, कुछ ग्रह दिखा रखे हैं, जैसे कि मार्स के बारे में बता रखा है यहाँ पे, अर्थ के बारे में, यहाँ पे विनस के बारे में। मार्स के बारे में क्या गिवन है हमारे को कि ये थिन एटमोसफियर बना हुआ है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट ऑल CO2 इज ग्राउंड एवरेज टेम्परेचर, यहाँ की जो एवरेज टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है, नेगेटिव में दे रखा है, ये देखो यहाँ राइट है। और क्या है कि यहाँ पे CO2 है ज़्यादातर, यहाँ पे क्या है CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, अर्थ है, अर्थ पे क्या है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी है और उसका एवरेज टेम्परेचर क्या है प्लस पॉजिटिव का 15 डिग्री सेल्सियस है। वीनस पे क्या है कि एक थिक सी वायुमंडल की क्या बनी हुई है 90% ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की 96% क्लियर बनी हुई है, और इसमें क्या है पॉजिटिव का 420 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है टेम्परेचर है। मार्स, वीनस एंड अर्थ ऑल हैव एटमोसफियर, तीनों के पास एटमोसफियर है, मार्स के पास भी है और वीनस के पास भी और अर्थ के पास भी है, परंतु क्यों, व्हाई इज इट दैट ओनली अर्थ इज सुटेबल फॉर लाइफ, फिर अर्थ ही क्यों सुटेबल मानी गई है जीवन के लिए, जीवन यापन करने के लिए, जीव जंतुओं के सांस लेने के लिए क्यों मानी गई है, इसके बारे में हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। मिस्टर एम शंकर जूम इन फोर
ऊर्जा टू हैव ए क्लोजर लुक एट अर्थ। यानी मिस्टर शंकर ने क्या किया है, जूम कर दिया है, जिस वजह से वो क्या कर रही है, अर्थ को बिल्कुल नज़दीक से देख पा रही है। ये देख रहे हो ना बेटा पिक्चर के अंदर जूम करने के आफ्टर, देखो ये लेयर नज़र आ रही है आपको, आ रही है ना अर्थ के चारों ओर। आई कैन सी, वो कह रही है फिर आई कैन सी, मैं देख सकती हूँ दैट माउंटेन्स, पहाड़ों को, लैंड ओशियंस एट्सेट्रा, यानी पहाड़ों को, सागर को, जमीन को देख पा रही हूँ। बट द गैसेज आर नॉट विजिबल, परंतु गैसें मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाउ आर दीज गैसेज इम्पोर्टेंट फॉर अस, हाउ आर गैसेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो कैसे ये गैसेज जो है हमारे लिए ज़रूरत है। फिर इसके अंकल क्या आंसर करते हैं इस बात के ऊपर, वो देखिए आप। द डिफरेंट गैसेज फाउंड इन द एटमोसफियर आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द लैंड एंड सी, हेल्पिंग ऑल लिविंग बींग्स टू लाइव कम्फर्टेबली। द डिफरेंट जो बहुत तरह तरह की जो गैसें हैं हमारे वायुमंडल के अंदर, वो बेहद मददगार है हमारी, कैसे, तापमान को लेकर इस पृथ्वी पर, समुंदर में, और हेल्पिंग ऑल लिविंग बींग्स टू लिव कम्फर्टेबली, जिसकी वजह से आराम से जीवन यापन हो सकता है, यहाँ पर जीवन संभव है। फिर वो एक और क्वेश्चन पुट करती है, वो क्या है, आई कैन सी दैट द लेयर ऑफ गैसेज इज थिकर नियर अर्थ सरफेस देन फर्दर फ्रॉम इट। वो करिए आई कैन सी, मैं देख पा रही हूँ द लेयर ऑफ गैस, में गैस की जो पतली सी जो लेयर है पृथ्वी के चारों ओर सतह पर बनी हुई है, जो उससे मैं थोड़ी दूरी पर हूँ, थोड़ी सी दूरी पर हूँ। तो वो क्या कह रही है, दिस लेयर प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन एंड अदर सच इम्पोर्टेंट गैसेज, यानी ये इस तरह की जो ऑक्सीजन गैस है जो हमारे को प्रोवाइड कर रही है लेयर, अदर सच इम्पोर्टेंट गैस, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस है। लिविंग थिंग्स लिव क्लोजर टू अर्थ सरफेस, जो बिल्कुल ही लिविंग थिंग्स के लिए जो जीवन जी रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि पृथ्वी की सतह पर रह रहे हैं। थस एटमोसफियर हेल्प अस टू सर्वाइव, इस प्रकार से क्या है, वायुमंडल हमारी मदद कर रहा है हमारे जीवन यापन में, हमारे वायुमंडल को बनाए रखने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करती है, वो नेक्स्ट पेज पे है बेटा। इसमें क्या कर रही है कि आई नो दैट गैसेज आर ए मेजर पार्ट ऑफ एयर, मैं जानती हूँ कि जो गैसेज है वो हमारा मेजर पार्ट है हमारे एयर का, एंड मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। इनको क्या है, जो इधर से उधर जो हवा में हो रही है उसको क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। दैट वट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड ट्रू डू वी हैव ऑन अर्थ, जो इस तरह से अलग अलग टाइप्स की जो विंड है डू वी हैव ऑन अर्थ, जो हमारी अर्थ पर ही मिल सकती हैं। अंकल क्या क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड दैट वी सी ऑन अर्थ आर लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, स्टॉर्म एंड गेल। ये कह रही है कि जो ये डिफरेंट टाइप्स की जो विंड है वो हमारी अर्थ पे, हमारे सी ब्रीज पे और लैंड ब्रीज पे और स्टॉर्म यानी कि ई के अंदर और गेल के अंदर मिल सकती है। ऑल राइट ऊर्जा, नाउ आई हैव टू गो। ओके अंकल, आई हैव टू गो, अब मुझे चलना चाहिए। आई होप इट वॉज ए नाइस एक्सपीरियंस फॉर यू। उसके अंकल कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जिसको लेकर तुम बहुत ज़्यादा खुश हुई होगी। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, ऊर्जा बिड्स गुड बाय टू हर अंकल। ऊर्जा अपने अंकल को बोलती है कि गुड बाय अंकल, शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज होल एक्सपीरियंस एंड थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद हर क्लासमेट। वो अपने इस तरह के एक्सपीरियंस को अपने जो क्लासमेट है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उत्सुक है, और उसको अपने फ्रेंड के साथ क्या करना चाहती है, शेयर करना चाहती है। बेटा इस लेसन को जितना मैंने रीड करवाया उसको आपने 3 times रीड करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जब मैं यूनिट टेस्ट लेती हूँ तो बेटा मैं लेसन के बीच में से क्वेश्चन पुट करती हूँ, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप इस लेसन को 3 times रीड करोगे, 5 times वीडियो देखोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।